गृहस्थ व्यक्ति जो फालतू चीजों को यूज नहीं करता है वो उसके घर में सुख रहता है। बीड़ी भी मत पियो, 20 रुपये बीड़ी में खराब करोगे, 10 रुपये पुड़िया में खराब करोगे, 100 रुपये दारू में खराब करोगे, 150-200 रुपये का नशा करोगे। अगर ये बचत करना शुरू कर लो 200 रुपये डेली, तो 72,000 साल में बच जाएंगे। 60,000 की मारुति बेन सेकेंड हैंड कार ले आइए और 12,000 रुपये हमको दक्षिणा भी दीजिए और लिख दीजिए कि नशा की बचत की कार आ रही है, कृपया रास्ता खाली करो, मैं आ रहा हूँ। ये क्या फटफटी पर चल रहे हो मोटरसाइकिल पर? क्या ये साइकिलों पर टांग लटका कर खड़े होते हो? जरा ऊंची तमन्ना रखो, कार खरीदो, जिंदगी बेकार मत जियो, जिंदगी को अच्छी तरह से जीने की कला सीखो। पान तमाकू गुटखा पुड़िया भी मत खाना। और ये भी निवेदन करूंगा, ताश खेलने में टाइम को बर्बाद मत करना। प्रार्थना है आपसे मेरी कि जुआ कभी मत खेलना। जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता, शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता। अटल सत्य नियम है संसार का, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। अपने पति को कभी गाली मत दीजिए, पति को प्रेम से रखिए। पति बेचारा बहुत थक चुका है, खेती के काम में थक गया, बिजनेस में थक गया, दुष्टों के संघर्ष से थक गया, गुंडागर्दी को करने वालों से थक चुका है। तुम्हारा पति पुलिस की नौकरी से थक चुका है, इतना उसको थकान है कि मन सब टूट चुका है। अब उसको अगर कोई पत्नी कठोर बोलती है, घर में भी उसको गाली दे देती है, तो उस पति के जान तो रहती है लेकिन जिंदगी जीने का मन नहीं रहता है। इसलिए सब स्त्रियों से कहूँगा, अपने पतियों को गाली मत देना, इनका अपमान मत करना, और इनको पति देव कहना कि आइए पति देव पधारिए, या तो इनका नाम कुछ ऐसा रख देना कि मेरे स्वामी पधारो, नाथ ऐसे कहो। आजकल की तो बहुत सारी स्त्रियां इतनी फूहड़ है, लेटेस्ट मॉडल है, उसको लेटेस्ट कहते हैं, लेटेस्ट है, मॉडर्न है, अपने पति को ऐसे बुलाती है, नाम लेकर के जैसे लगता अपने बेटे को बुला रही है। बोलती है कि मनोज इधर आओ। तुम सोचोगे मनोज कोई उसका बच्चा रहा है, वो मनोज जब आएगा तो मूंछों वाला मनोज आया है। पूछो ये कौन है, तो बोलती मेरा मर्द है, इर्द गिर्द मर्द गर्द उड़ा दूंगी। क्या कर रही हो ये? अरे उसको पति देव कहकर बोलो, अपनी पत्नी को कभी कभी तुम देवी कहकर पुकारा करो, श्रीमती कहा करो। ऐसे उसको उलझ जुलझ शब्दों में मत बुलाइए, ऐसे मत बोलिए कि सुनीता इधर चल। अरे नहीं नहीं, उसको कहो देवी जी इधर आइए। शंकर भगवान भी पार्वती को देवी कहकर पुकारते थे, देवी, तभी ये पार्वती उनके साथ रहती थी, नहीं तो भाग जाती वहां से, बिल्कुल नहीं रहेगी। नारी को देवी के रूप में देखना चाहिए, और नारी में नारायणी छिपी हुई है और नर में नारायण छिपा हुआ है। अपनी अपनी सामर्थ्य और सत्ता और शक्ति को संभाल लो तो नर में नारायण प्रकट हो सकता है, नारी में नारायणी प्रकट हो सकती है, और घर ही मंदिर बन सकता है।